In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, आप अपने सोशल साइंस की दूसरी किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पेज नंबर 70 निकाल, यानी 60, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है बेटा अंडरस्टैंडिंग मीडिया, कि मीडिया को हम समझते हैं कि मीडिया क्या हो गया। देखिए, ये पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि मीडिया हुआ क्या। बेटा, मीडिया एक जरिया है जिसके जरिए कोई भी खबर, कोई भी इतला ब्रॉडकास्ट होती है या पब्लिश होती है। ठीक, अब हम देखेंगे ये हुआ क्या। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, कि आपका फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है जो आप टेलीविजन पे देखते हो। व्हाट डू यू लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, कि या आप रेडियो पे क्या सुनते हो। विच न्यूज पेपर आर ए मैगजीन डू यू यूजुअली रीड, कि कौन सा न्यूज पेपर या मैगजीन आप हमेशा पढ़ते हो। डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, कि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो या ढूंढते हो कोई चीज, उस पर आप कौन सी चीज जो आपको मफीद है, कौन सी चीज आप देखते हो या मिलती है। अब यहाँ पे आई चार चीजें, कि अगर आप टेलीविजन देखते हो तो टेलीविजन पे कौन सा प्रोग्राम आप देखते हो पसंद है। ठीक, वो जो टेलीविजन का प्रोग्राम है उस पे, वो टेलीविजन पे आता है, वो भी मीडिया का एक जरिया है। अगर आप कोई न्यूज सुनते हो या कोई भी रेडियो का प्रोग्राम देखते हो तो कौन सा प्रोग्राम है, वो ब्रॉडकास्ट वहां पे होता है रेडियो का कोई प्रोग्राम, तो वो भी मीडिया का जरिया है। अगर आप पेपर पढ़ते हो या आप अगर कोई मैगजीन पढ़ते हो तो कौन सा पेपर पढ़ते हो, कौन सी मैगजीन पढ़ते हो, वो भी एक मीडिया का जरिया है। या अगर आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे क्या देखते हो, कैसे देखते हो, वो भी मीडिया का जरिया ही माना जाता है। डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर्स टू द रेडियो, टीवी, न्यूज पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, द वर्ड इज मीडिया। हाँ, ठीक है कि सभी प्रोग्रामों के लिए एक ही लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेडियो के प्रोग्राम हो, टेलीविजन के प्रोग्राम हो, खबरों के प्रोग्राम हो, नेट का हो कोई मसला, या और भी कोई जरिया हो कम्युनिकेशन का, कि बातचीत, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तो उस सारे के सारे सिस्टम को जो जिस जरिए से हम पहुंचाते हैं उस जरिए का एक ही नाम हम देते हैं मीडिया। क्या देते हैं? मीडिया, सिंगल नेम। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया, यू विल फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट, कि हमें ये देखना है कि हमें ये बनाने के लिए क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया इफेक्ट अस आवर डेली लाइफ, के और वो तरीके के जिनके जरिए मीडिया का हमारी डेली लाइफ पे असर पड़ता है या पड़े। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द मीडिया दिस वीक, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो या सोच सकते हो कि जो आपने इस हफ्ते में मीडिया से सीखी हो। हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारी चीजें। देखो, अगर टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, अच्छा सा प्रोग्राम हो, तो उससे कोई सबक आपको मिलता है, या रेडियो आप सुनते हो उसमें कोई भी चीज आप सुनते हो तो आपको मिलता है, तो आप याद रख लोगे कि हाँ मैंने फलानी चीज सुनी थी ऐसी, या खबरें सुनते हो तो उसमें से कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाए तो आप सुन लेते हो, तो वो भी है। हाँ, कि आपको इस हफ्ते में क्या फायदा हुआ इस मीडिया का, वो बताइए। ठीक, अब आपको ये बात समझ, ओवरऑल ये हो गया कि चाहे टेलीविजन का कोई प्रोग्राम हो, न्यूज पेपर की खबर हो, इंटरनेट का मसला हो, या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, कोई भी कम्युनिकेशन का तरीका हो, जरिया हो, इस सब के सब को हम कहते हैं मीडिया। आज ना बात समझ। हाँ बेटा, तो आज के लिए इतना ही, यहां से आगे इंशाल्लाह रहमान कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।